क्विक शॉट की टेक्निक है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इस टेक्निक में आपने ये करना है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को आपने सर्कल कर लेना है। देन आपने सबसे पहले ये करना है कि एलिमेंट, इसमें ये दो बातें आपने याद रखनी है कि एलिमेंट जो होगा उसकी पोजीशन को माइंड में नहीं रखना, जबकि पिछली टेक्निक्स के अंदर हम ये करते थे कि पोजीशंस के साथ हम करते थे कंपैरिजन। इसमें हमने करना तो पोजीशन के साथ कंपैरिजन है, लेकिन माइंड में आपने एलिमेंट को रखना है, यानी फर्स्ट नंबर को रखना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 44 है, तो 44 को आप माइंड में रखेंगे। 44 को आपने चेक करना है, आपने सबसे पहले राइट टू लेफ्ट देखना है। राइट हैंड से आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो 44 से पहला छोटा एलिमेंट जो होगा वो आप ढूंढेंगे, वो पहला छोटा एलिमेंट आपको मिलेगा 22। तो 22 के साथ आपने रिप्लेस कर देना 44 को, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना, इसके साथ इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो आप देख सकते हैं 44 यहाँ आ गया और 22 यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद आपने ये करना है कि आपने लेफ्ट टू राइट देखना है। पहले आपने राइट टू लेफ्ट देखा था, यहाँ से राइट टू लेफ्ट जब भी देखेंगे तो आप स्मॉल एलिमेंट देखेंगे 44 से, और जब लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपने बड़ा एलिमेंट देखना है। राइट टू लेफ्ट छोटा एलिमेंट देखना है, और लेफ्ट टू राइट आपने बड़ा एलिमेंट देखना है। अब 44 से इस तरफ से देखेंगे पहला बड़ा एलिमेंट कौन सा है। 44 से पहला बड़ा एलिमेंट जो है वो 55 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 55 को सर्कल कर लेंगे। सॉरी, 55 है पहला बड़ा एलिमेंट, तो इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे 44 को। तो 44 जो होगा यहाँ से, 44 यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, 44 जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया 55 की पोजीशन पर, और 55 जो है वो 44 की पोजीशन पर आ गया। देन उसके बाद आपने ये करना है कि अगेन आपने ये करना है कि राइट टू लेफ्ट देखना है। लेफ्ट टू राइट देख लिया एक बार, तो फिर आपने राइट टू लेफ्ट देखना है। राइट टू लेफ्ट देखें, पहला छोटा एलिमेंट 44 से कौन सा है। पहला स्मॉल एलिमेंट 44 से जो है वो 40 है, तो इसलिए आपने क्या कर देना है कि 40 को, जो 40 है इसको आपने रिप्लेस कर देना है। सॉरी, पोजीशन जो सर्कल होगा नेक्स्ट उसमें, तो आपने सर्कल यहाँ पर करना है इंस्टेड ऑफ 55। प्रीवियस में आपने 55 को सर्कल किया हुआ था, तो आपने यहाँ पर 44 की 40 की पोजीशन पे जो होगा इस पे सर्कल करना है, और 44 को आपने यहाँ पर ले आना है। देन उसके बाद आपने ये करना है कि आपने लेफ्ट टू राइट चलना है दोबारा। लेफ्ट टू राइट आप बड़ा एलिमेंट देखते हैं, तो 44 से यहाँ पहला बड़ा एलिमेंट 70 है, तो 70 जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, 44 जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको तो 44 तो आपने 40 से पीछे की तरफ लेफ्ट टू राइट देखना है, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे आप 44 से बड़ा एलिमेंट पहला 70 है, तो 44 का यहाँ पर ले आएंगे आप 44 को, और 70 को 44 की पोजीशन पे ले आएंगे। 44 की पोजीशन पे 70 आ गया, और 70 की पोजीशन पे 44 आ गया। देन उसके बाद आपने अगेन आपने ये देखना है कि राइट टू लेफ्ट देखना है। राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो आपने ये देखना है कि पहला स्मॉल एलिमेंट कौन सा है 44 से, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट रह गया 90, और 90 44 से स्मॉल नहीं होता, इसलिए 44 जो होगा इसको आपने सर्कल में लिख देना है या रेक्टेंगल में लिख देना है कि ये 44 जो एलिमेंट है ये अब शॉर्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि एरे जो होगा ये 44 जो होगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, तो इसको आपने रेक्टेंगल में लिखना है। 44 को रेक्टेंगल में आपने रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना है इसको, कि इसका मतलब होगा कि 44 एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका है। देन उसके बाद एरे को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 44 के इस साइड वाला, और देन 44 के इस साइड पे जो एरे होगा सारा। इस साइड पे जो एरे होगा आपने उसको अलग से सॉर्ट करना है, इस साइड पे जो एरे होगा उसको अलग से सॉर्ट करना है साथ साथ। पहले हम इस साइड के एरे को देख लेते हैं। इसमें अगेन आपने फर्स्ट पोजिशन पे जो एलिमेंट है जो कि 22 है उसको लास्ट वाले के साथ करना है कंपेयर, जैसे हमने स्टार्ट में ऊपर किया था पहले एलिमेंट को लास्ट के साथ सर्कल कर लिया था। देन उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट को पहले राइट टू लेफ्ट देखा था, फिर लेफ्ट टू राइट, इसी तरह सो ऑन करते गए थे। तो पहले आप देखें 22 को सिलेक्ट कर लिया, और लास्ट एलिमेंट 14 दोनों को सर्कल किया। उसके बाद आपने
देखना है कि 22 से पहला छोटा एलिमेंट कौन सा है। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं, राइट टू लेफ्ट देखें, तो 22 से पहला छोटा एलिमेंट 11 है। 11 को 22 के साथ रिप्लेस कर देंगे आप, तो 22 यहाँ पर आ जाएगा और 11 22 की पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ, और 22 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने लेफ्ट टू राइट देखना है, यहाँ से देखें तो 22 से जो बड़ा एलिमेंट है पहला वो कौन सा है। 22 से पहला बड़ा एलिमेंट 33 है, तो आपने ये करना है कि 22 को 33 की जगह पर ले आना है। 33 जो था, 33 वो यहाँ पर था, तो आपने उसकी जगह पर 22 को ले आना है और 22 की जगह पर 33 को ले आना है। देन उसके बाद कोई और एलिमेंट बचता नहीं था, इनके दरमियान एक ही एलिमेंट था जो कि हमने एक ही एलिमेंट था जिसको भी हम चेक कर चुके हैं, तो इसलिए इसके और एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि 22 हमारा अब सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद एक और बात ये याद रखने कि लास्ट में हो चाहे एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट हो, सॉर्ट की लेफ्ट साइड पे हो, सॉर्टेड एलिमेंट जहाँ भी होगा, अगर वो लास्ट में एक एलिमेंट बचता होगा या फर्स्ट में बचता होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है वो सॉर्ट होगा। इस साइड पे एक ही एलिमेंट बचता है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सॉर्ट है। तो 22 और 11 सॉर्ट हो चुके हैं। 33 को 40 के साथ कंपेयर करेंगे, इसमें बीच में कोई एलिमेंट थे नहीं, तो 33 को ही पिक कर लेंगे, 40 के साथ कंपेयर करेंगे, 33 स्मॉल होता है 40 से, तो ये भी सॉर्ट हो चुका है, इसको रेक्टेंगल में लिख देंगे। उसके बाद 40 लास्ट वाला एलिमेंट, तो अंडरस्टूड सी बात है वो सॉर्ट होता है, तो इसलिए इसको भी रेक्टेंगल में लिख देंगे। देन अब इस साइड वाले जो रिमेनिंग पार्ट था उसको भी देख लेते हैं कि हमने एरे को 2 पार्ट्स में किया था, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है जैसे हमने लेफ्ट साइड वाले को किया है, जैसे इस साइड पे एरे को किया, जैसे हमने सॉर्ट किया वैसे इसको करेंगे दोबारा से। पहले एलिमेंट को, लास्ट वाले एलिमेंट को सर्कल कर लेना है, जो पहला एलिमेंट होगा इसको माइंड में रख लेना आपने 90 को, अब इसको भूलना नहीं है आपने, माइंड में रखना है 90 को। आपने पहले राइट टू लेफ्ट देखना है, राइट टू लेफ्ट पहला 90 से स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, राइट टू लेफ्ट देखें, पहला 90 से स्मॉल एलिमेंट जो है वो खुद 66 है, यानी कि जो लास्ट पोजीशन पे है वो खुद 66 है, तो 66 के साथ 90 को रिप्लेस कर दिया हमने, 66 यहाँ 90 यहाँ, दोनों आपस में रिप्लेस हो गए, यहाँ 90 था यहाँ 90 आ गया और अब 66 यहाँ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट भी देखना है और लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे तो बड़ा एलिमेंट देखेंगे, 90 से बड़ा एलिमेंट पहला कौन सा है, 90 से पहला बड़ा एलिमेंट 99 है, तो 90 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उठकर, यहाँ से 90 उठकर यहाँ पर आ जाएगा और इस जगह को हम सर्कल कर देंगे और 99 90 की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली 99 था पहले, यहाँ पर 99 था क्योंकि पहला बड़ा एलिमेंट जो था, अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे थे, तो पहला बड़ा एलिमेंट 90 से 99 था, इसलिए 99 अब 90 की पोजीशन पर आ जाएगा और 99 जो है वो 90 की पोजीशन पर आ जाएगा और 90 जो है वो यहाँ से उठकर 90 की 99 की पोजीशन पर आ जाएगा, तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने राइट टू लेफ्ट देखना है, राइट टू लेफ्ट स्मॉल एलिमेंट देखना है, स्मॉल एलिमेंट इससे 99 से स्मॉल सॉरी 90 को माइंड में रखना है। यहाँ पर कन्फ्यूज जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि एलिमेंट जो पहला था वो 90 था, इसी को ओवरऑल आपने माइंड में रखना है, जब तक 90 शॉर्ट नहीं हो जाता माइंड में यही रहना चाहिए आपके कि 90 से इस तरफ से स्मॉल अगर देखें तो 90 से स्मॉल एलिमेंट जो है पहला वो है 88, तो 88 को आपने 90 के साथ रिप्लेस कर देना है, 90 यहाँ था 88 यहाँ है, तो इन दोनों की आफ्टर इंटरचेंज कर देंगे वैल्यूज़ को, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देन आपने फिर अगेन लेफ़्ट टू राइट करना है, लेफ़्ट टू राइट करेंगे पहला बड़ा एलिमेंट देखेंगे तो इससे बड़ा एलिमेंट कोई 88 से और यहाँ पर सॉरी 90 से बड़ा एलिमेंट कोई है नहीं यहाँ पर, तो 90 की उस वक्त की जो पोजीशन होगी उसी को हम फिक्स कर देंगे, तो 90 की पोजीशन यहाँ पर थी तो हमने इसको फिक्स कर दिया रेक्टेंगल में, और लास्ट एलिमेंट तो अंडरस्टूड सॉर्ट होता है, तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एरे का लेफ्ट साइड वाला पार्ट रह गया, तो इसको आपने अगेन वैसे सॉर्ट करना है जैसे अभी सॉर्ट किया है, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट को सर्कल करना है, 66 को आपने देखना है, फर्स्ट एलिमेंट को माइंड में रखना है, लास्ट को नहीं रखना, फर्स्ट एलिमेंट को माइंड में रखना है और उसको पहले लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट देखना है, पहला छोटा एलिमेंट, देन राइट टू लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट बड़ा एलिमेंट देखना है, राइट टू लेफ्ट छोटा एलिमेंट, पहले राइट टू लेफ्ट देखेंगे छोटा, देन उसके बाद लेफ्ट टू राइट, एंड सो ऑन, इस तरह करते रहेंगे, इस तरह करके एंड में जाके हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। Yeah.